ताकत है, हर मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे के काम आ सके, यही भारत की आत्मा है, यही कश्मीर की भावना है। साथियों, इसी कश्मीरियत की का तकाजा है कि हिंसा के दौर में जिन कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को यहां से अपना घर, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की यादों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनको पूरे सम्मान से यहां बसाया जाए। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के जरिए हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने वैसू और शेखपुरा में ट्रांजिट आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। आज मुझे बांदीपुरा और गांधेरबल में ट्रांजिट आवास की सुविधा का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। ये योजना भी प्रधानमंत्री विकास पैकेज का ही हिस्सा है। साथियों, यहां पर करीब 700 फ्लैट बन जाने के बाद विस्थापित परिवारों को नई छत मिलेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि जो भी यहां वापस आना चाहते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यहां जगह मिले। साथियों, कश्मीरी विस्थापितों को रोजगार के अवसर देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में घोषित पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत राज्य प्रशासन ने 3000 नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये भर्तियां हो जाएगी। साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के हीरो शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद मोहम्मद औरंगजेब और तजामुल हुसैन जैसी युवा है जो शांति और देश के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित रहे हैं। हीरो वही है जो सपने पूरा करने के लिए जीता है। वो सबसे बड़ा कायर है जो दूसरे के सपनों को मारता है। आज पूरा देश निर्दोष निहत्थे कश्मीरी बेटे बेटियों की हत्या होते देखकर आक्रोश में है, सिर्फ इसलिए कि वो नौजवान शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उन्हें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। यही यहां के आतंकवाद की सच्चाई है। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना देखते थे, उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है, उसमें हम एक पत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे। और इसके लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर वैली हो, चाहे जम्मू हो, एक एक नागरिक को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के, हम वही खुशहाल कश्मीर, शांत कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को न्योता देने वाला कश्मीर, हरी भरी इस वादियों में खुशहाली के दिन वाला कश्मीर, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम उठाएंगे। हमारा हर यहां का परिवार, हमारा यहां का हर बच्चा, उनका उज्जवल भविष्य, यही भारत के उज्जवल भविष्य का जीता जागता संबंध है।